इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होने वाले हैं। पौड़ी और उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 1:30 बजे नैनीताल के रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम। सीएम धामी एलईडी रथ यात्रा को करेंगे रवाना। दोपहर बाद रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। वहीं पंचम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। रुद्रपुर से देहरादून के लिए वे इसके बाद रवाना होंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिनमें पौड़ी और उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम धामी रहेंगे। कई विकास योजनाओं का वे लोकार्पण इस दौरान करेंगे। करीब 1:30 बजे नैनीताल के रामलीला मैदान पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम धामी एलईडी रथ यात्रा को यहां से रवाना करेंगे। वहीं दोपहर बाद रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम धामी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अवनीश गुप्ता जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, सीएम धामी के कई कार्यक्रम आज होने वाले, क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा, बताएं। जी प्राची, देखिए आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो आज पौड़ी और उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। सुबह अपने आवास पर उन्होंने शासकीय कार्य निपटाया और अभी कुछ ही देर में वो पौड़ी के लिए रवाना हो जाएंगे। और जो पौड़ी गढ़वाल का पटोरिया जो मैदान है, वहां पर वो कई विभिन्न योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद लगभग 1:30 बजे के करीब नैनीताल के जो रामलीला मैदान है, वहां पर जो बीजेपी का विकास रथ यात्रा है, एलईडी रथ है, उसको वहां से रवाना करेंगे। इसके बाद लगभग 3 बजे के करीब वो जो रुद्रपुर का ट्रांजिट मैदान है, वहां पर एक पंचम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। लगभग 5 बजे के करीब वो अपने देहरादून वापस आएंगे आवास पर और 10 बजे तक रात्रि को जो है शासकीय कार्यों को निपटाएंगे। जी अवनीश जी, वहीं रथ यात्रा को भी हरी झंडी उनके द्वारा यहाँ पर दिखाई जाएगी, क्या कुछ खास इस रथ यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा है और किस तरीके से जनता के बीच बीजेपी इस दौरान पहुंचेगी? देखिए प्राची, अगर रथ यात्रा की बात करें, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है वो जो एलईडी रथ यात्रा है, विकास रथ यात्रा जिसको कहा गया था, वो मुख्यमंत्री ने अपने आवास से जो है वो सभी जो जिला है उनके लिए रवाना किया था। जो गांव-गांव जाकर और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जाकर जो है वो जितने भी मोदी के द्वारा जो विकास कार्य करे गए, जितनी भी घोषणाएं करी गई, वो आम जन तक वो पहुंचाएगी और उस पर जो है वो डिस्प्ले जो एलईडी का है, वो वहां पर जो मोदी जी की नीतियां हैं और जितने विकास कार्य करे, जितने लोकार्पण किए, जितनी घोषणाएं करी, वो तमाम जनता के आगे रखेंगे। जी प्राची जी, अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कई कार्यक्रमों में आज सीएम धामी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, जहां वे विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही एलईडी रथ यात्रा को भी रवाना करेंगे सीएम धामी।